आई लव शपा, बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है यार। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस यार, ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत सुंदर है। सो फ्रेंड्स, न्यूज रिपोर्टर भी यहाँ में आया हुआ है, तकम सोनिया, तो आप लोग देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को तहे दिल से वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में आज फिर से। सो आज हम यहाँ सेपा निकल रहे हैं, सेपा कुछ काम के लिए, और अपने भाभी लोग के साथ, भैया लोग के साथ जा रहे हैं। और सुबह सुबह मैंने मिसेस को बोल दिया है पानी गर्म करने के लिए। अभी 4 बज रहा है, अब पानी बॉयल कर दे रहा है, पानी पी के और इधर से 4:30 बजे से को निकलेगा। देखो अभी भी यहाँ बाहर अंधेरा ही है। तो और मेरा डार्लिंग उठ गया, ये मेरा बच्चा भी सो रहा है, देखो still sleeping। So, ये मेरा प्यारा सा घर, और अभी पानी वानी पी के निकलेंगे। उधर से भाभी लोग आएगा, बोला है भाभी लोग के गाड़ी से यहाँ से निकलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अभी यहाँ होज पहुँच गए हैं, सपा के रास्ते, ऑन द वे टू सपा। तो रोड ब्लॉक हो गया, अभी कैसे जाएगा वो डिस्कशन चलेगा। अभी रोड बहुत हेवी से पहाड़ गिर गया पूरा आगे में। तो ये है होज, तो यहाँ में रुका हुआ है सब लोग, और कुछ फैमिली प्रोग्राम है, निकलने के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ में सब लोग यहाँ रुका हुआ है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ में हैं, इधर में होज से पार होकर थोड़ा एक जगह में आ गया है। तो ये है मेरा भाभी। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, रास्ता ब्लॉक हो गया। हेलो भाभी, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, हम लोग का यहाँ में रोड ब्लॉक हो गया, आप सब देख सकता है, बहुत हेवी से गिर गया है, तो पूरा पहाड़ ही गिर गया है, वो ऊपर से चोटी से गिर गया, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी पार करना बहुत मुश्किल है, आपको नीचे से मैं दिखाता हूँ उतर के। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, सी आगे में पोकलेन काम कर रहा है, लेकिन समय जरूर लगेगा। देख सकता है एक 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 गाड़ी पार करने के लिए बनना सकेगा होगा शायद। ये तो देखते हैं आगे जाके व्हाट इज गोइंग ऑन, लेट्स सी। पहाड़ तो बहुत भयानक से गिर गया है, और आगे जाके जरूर मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। सो ऐसे होगा तो कैसे सपा जा पाएगा यार। सी यार, बहुत हेवी हेवी पत्थर है, देख सकते हैं, वेरी हेवी, बहुत हेवी है। सो समय तो लगेगा, जैसे लग रहा है बहुत समय लग जाएगा मेरे ख्याल से, समय तो बहुत लगेगा होगा, देख रहे रे। तो क्या होगा, देखो और ये देखो ऐसा है, भयानक से गिरा है फ्रेंड्स। तो निकलते हैं, करने दो, यहाँ रिस्की है, इट्स नॉट ए सेफ जोन। ये तो जल्दी खोल जाएगा ना, हाँ जल्दी इसको, ये सब गिरा देने से हो गया। चलो यार देखते हैं, तो हो जाएगा, होगा जैसे लग रहा है, लेकिन बहुत हैवी हैवी है, सिर्फ एक एक गाड़ी पार करने के लिए तो आराम से बना सकते हैं। चलो यार, सो फ्रेंड्स, न्यूज रिपोर्टर भी यहाँ में आया हुआ है, तकम सोनिया, तो आप लोग देख सकते हैं। समय लगेगा, ये भी रिस्की है, गिर सकता है एनी टाइम।
सब यहाँ जमा हो गया लाइन बाय लाइन, बहुत सारा गैदरिंग हो गया यहाँ। प्रेस यार, ये पानी फ्रेश फ्रेश पानी देखो यार, थोड़ा शक्ल दुला देता हूँ। इमान तंदा मा फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट रास्ता खोल चुका है, ये रास्ता खोल के ख़त्म होने ही वाला है। अबे ऑलमोस्ट खोल गया है यार, थोड़ा सा बच गया, ओनली ओनली फ्यू वे टू गो, थोड़ा सा निकल ही गया। अभी जस्ट हो ही गया, निकल जाएगा यार, जल्दी निकल जाएगा, बहुत देर तो नहीं हुआ है ऑलमोस्ट। यहाँ में सब लोग रेस्ट कर रहे हैं और निकलने के लिए ही है। ऑल आर टेकिंग रेस्ट, यहाँ सब भैया लोग यहाँ बैठ रहे हैं, देख सकते हैं यार। द ब्यूटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पोकलैंड तो इस तरफ निकल गया है और अभी हो जाएगा, होगा अभी फिनिशिंग करके वापस जाएगा शायद, तो जल्दी हो जाने से ठीक था। वी हैव टू रीच सेपा। सो माय डियर फ्रेंड्स, रास्ता खुल चुका है, अभी इस तरफ से उस पार जा रहा है पोकलैंड। तो हम लोग यहाँ में मेरा गाड़ी आगे है, फ्रंट में है, ये देखो तरह है। तो फ्रेंड्स, पीछे में बहुत सारा लाइन लगा है गाड़ी, तो हम लोग यहाँ, ये है ब्रदर टकम सोनिया जो न्यूज़ रिपोर्टर है अरुण भूमि का। सो ये बहुत ही एनर्जेटिक, यंग एंड एनर्जेटिक वाला न्यूज़ रिपोर्टर है अरुणाचल प्रदेश का। सो आप लोग ज़रूर जानते होंगे। तो ये पहाड़ देखो बहुत हैवी से है, एनी टाइम ये और भी गिर सकते हैं। सो हम लोग क्रॉस हो गए हैं, देखो तो फ्रेंड्स क्रॉस हो गया, अभी सीधा निकलेंगे सेपा, ऑन द वे टू सेपा। तो भाभी साथ में है और यहाँ भी भाभी है, अभी खुश है, हम सब खुश है ना। तो ये देखो आगे आगे जा रही है। सो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को थैंक यू जो हमारे रास्ते को खोल दिया है, और इधर का जो प्रेजेंट एमएलए है तचिरोतु सर, आपको भी थैंक यू, जितना इतना बड़ा रास्ता जो बड़ा ब्लॉक में था, ब्लॉक सुबह 5:30 ब्लॉक हुआ, इसको जेसीपी लगा पोकलैंड बेच के खोल दिया, थैंक यू वेरी मच एमएलए सर जी। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अभी जाते हैं, रास्ता में कुछ इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कुछ मिलने से जरूर आप लोग को दिखाएंगे। सो बने रहना फ्रेंड्स। सो निकल रहे हैं, ये देखो ये माई बाप एक आ गया जिमनी पकड़ के, चलो यार गाड़ी आ रहा है पूरा लाइन में, समय लगेगा यार। चलो पार्किंग है, चलो चलो। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ तेल भरने के लिए यहाँ तेल डिपो में आ गया है। सो यहाँ तेल डाल रहा है अभी, सो तेल डाल के यहाँ फुल करके हम लोग सेपा निकलेंगे यार। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अभी सगाली क्रॉस हो गया, पप्पू पारे डिस्ट्रिक्ट पार हो गया, हम लोग पके में घुस गया है। सो आप लोग को दिखाऊँ, ये सेपा शायद घुस गया है कुछ इस तरह है। तो यहाँ का नज़ारा लुत्फ उठाओ, इंजॉय करो यार, बहुत सुंदर सा है। और कुछ बढ़िया बढ़िया जगह होगा तो आप लोग को जरूर दिखाएंगे। वहाँ देखो पहाड़ का ऊपर में खेती बना के रखा है, और यहाँ है हमारा भाभी, इंजॉय कर रही है जर्नी। और ये देखो वहाँ देखो, नाइस माउंटेन एंड विथ लॉट्स ऑफ क्लाउड ऑन द माउंटेन, ये देखो यार। और पीछे में हमारा अच्छी लुक आ गया है, जी बी साहब अच्छे
हाय मजदा अला इचाज हाय मतलब उधर भाभी है ये पाके डिस्ट्रिक्ट में घुस गया हम लोग। सो हम लोग निकलते हैं अभी पाके पहुंचने से, आप लोग को फिर से अच्छा लगा तो जरूर दिखाएंगे यार। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ में पाके क्रेसेंट पहुंच गया है। देखो व्हाट इज द व्यू, वाओ लुक एट हियर माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सुंदर है, देख सकता है आप लोग, देख सकता है, वाओ इट्स द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ पाके। हाँ हाँ, सो ये भैया बता रहे हैं अच्छी होगा नहीं किसी देखते रहो, बहुत इंजॉय होने वाला आज। सो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सुंदर सा बेली एक आप लोग को दिखाना था, तो ये है पासा बेली। तो यहाँ से पार होके अभी शेपा निकल जाएगा, तो आपको बहुत सुंदर सा बेली दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। तो यहाँ में हम लोग पार्किंग किया है। सो देखो यार, आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये है पासा बेली, देखो। अगर सुंदर लगा तो, अगर बहुत सुंदर लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो देखो यार कितना सुंदर है ये बेली, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल, वाओ पापू बेली। ओ सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, आई डू मिस्टेक, ये है पापू बेली, ये पापू बेली है, देखो और वहाँ से देखो, आपको जूम करके दिखाता हूँ, इट्स ये देखो, ये देखो बादल किस तरह से छाया है, देखो यार, देखो ये है बेली, पापू बेली का नज़ारा, वाओ वाओ वाओ, शायद ये पिसरी है, पिस पॉन्ड है, बहुत बड़ा बड़ा से बना के रखा है, देखो यार, देखो यार फ्रेंड्स, ये पापू बेली का एक कहानी है। सो इसमें पहले ये एरिया को वार करने के लिए कोई दूसरा जगह से ये आया था, एनिमी आया था, तो वो एनिमी लोग यहाँ आके समझ नहीं पाया कि पानी जो ऊपर बह रहा है ना नीचे बह रहा है, हाँ पानी जो ऊपर बह रहा है ना नीचे बह रहा है, और किस तरह बह रहा है वो लोग इधर में आके पता नहीं चला। तो इसलिए वो लोग क्या किए, इधर में इधर से डर के वो लोग वापस भाग गया था बोला, तो वार नहीं हुआ यहाँ में, तो यहाँ का लोग बच गया था। तो ये एक कहानी है। सो बहुत बड़ा बड़ा पानी खेती है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत सुंदर है चीज़। जो मेन प्रॉब्लम जो क्या है मालूम है, क्यों पकड़ने नहीं सका है बोलने से, पानी कहाँ बड़ा है कहाँ छोटा है पकड़ने नहीं सका है बोलने से, मेन प्रॉब्लम जो वहाँ आप देखेगा ना, वहाँ भी आप पहाड़ी दिखाई देगा उस तरफ, और यहाँ से लेके आप यहाँ देखिए उस तरफ भी आपको पहाड़ी नज़र आएगा। तो कहाँ से पानी बह के आ रहा है और किस तरफ से डायरेक्शन कहाँ है वहाँ पता नहीं चला है बोला यहाँ में ना, तो इसलिए ये जगह से लोग दुश्मन लोग डर के भाग गया था बोला। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, मैं बोलता हूँ ये बहुत सुंदर है, और ऐसा सुंदर ज़मीन कम ही देखने को मिलता है यार, बहुत कम ही देखने को मिलता है, बहुत सुंदर है, रियली इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई लाइक इट यार, मेरा भी यहाँ जमीन होता तो बहुत बढ़िया होता, बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। और ये भाभी दोनों, क्या आप दोनों पूल कलेक्शन कर रहे हैं क्या, बाद में ये कमिंग का है, हम पप्पू परे में लेके जाए थे। हाँ पप्पू परे ये दासा है, दासा है ना, हाँ, हम लोग का उधर दाई है, दाई है ना, हाँ, ये दासा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये छोटी वाली है, हम लोग का उधर बड़ी वाली, वाह वाह। फ्रेंड्स ये जो प्लांट है इसका फ्लावर्स बहुत सुंदर है, और पिंकिश कलर है, बहुत सुंदर है, और बंच होके थोड़ा ये क्या दिखता है, रोड साइड में बहुत सारा है, सो बहुत सुंदर है, इसलिए कलेक्ट करके भाभी घर ले जाएगा बोले लगाने के लिए। सो बहुत सुंदर है यार, आप लोग को दिखाने मन था ये व्यू को, दैट्स वाई वी स्टॉप हियर, और आप लोग को दिखा रहा हूँ यार, यहाँ बहुत सारा फिशरी भी बहुत मुझे देखने को मिल रहा है,
उस तरफ भी आपको मैं जूम करके दिखाऊं, वहाँ भी फिशरी है, बहुत सारा फिशरी है। और यहाँ देखो, यहाँ इस तरफ ये कोना में भी है, और यहाँ भी देखो, आप देखो यहाँ भी है, बहुत सारा फिशरी है, और वहाँ भी है बहुत सारा फिशरी है। यहाँ फिशिंग मछली पालने के लिए यह जगह बढ़िया है, लाइक आसाम बहुत सुंदर है यार। चलो आगे निकलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ। यह है बहुत खूबसूरत सा आई लव शेपा, बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है यार। नहीं अच्छे, सो ये देखो यार, देखो यार ये है बादल, बरसो बिजली, बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। और नीचे बगान है यार, आई लव शेपा, बहुत सुंदर है। इट्स एन ब्यूटीफुल प्लेस यार, ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत सुंदर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ शेपा पहुँच गया है। सो आप लोगों ने देखा कहाँ से कहाँ तक हम लोग आगे शेपा पहुँचे। ये देखो शेपा, ये है शेपा, उस पार है शेपा का न्यू शेपा। तो यहाँ नीचे में शेपा टाउन नीचे में होगा। सो आप लोग देखते रहना, दिखाते रहेंगे और इन्जॉय करना फ्रेंड्स, इन्जॉय करना। तो यहाँ में बहुत सुंदर सा गेट बनाया है, आप लोग को दिखाऊं। वाओ, इट्स नाइस एंट्री, ब्यूटीफुल एंट्री ऑफ शेपा, लुक एट दैट शेपा। पीछे से उल्टा निकल रहे ना, अच्छा ऊपर में तो है शेपा टाउन जो ना। चलो चलो, सो हम सोचे चलो यार फ्रेंड्स, बाद में पहुंच के आप लोग को वीडियो करके दिखाएंगे। शेपा का टाउन में पहुंच गए हैं हम लोग, ये है शेपा टाउन। सो आप लोग देखिए, लेकिन एक चीज तो बोलना पड़ेगा, शेपा टाउन तो बहुत रास्ता बहुत खराब है। शेपा टाउन यही है, तो हम लोग यहाँ उतर रहे हैं, बने रहना फ्रेंड्स। इससे आगे वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है। सो देखते हैं बाद में क्या होगा। सो फ्रेंड्स, वी आर हैविंग सम फूड एंड दिस इज मीटून मीट एंड दिस इज बेजीज एंड दिस इज सम पेपर। सो हम लोग खाना खा रहे हैं, तो खा लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ में भी खा रहे हैं निखिल भाई, और यहाँ में भी खाना खाए, तो हम लोग खाना खा रहे हैं यार, खाना खा लेते हैं फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है शेपा का टाउन। तो यहाँ में मार्केट लाइन ये है। सो ये SBI बैंक का राइट साइड से जाके राजाबा चर्च जाता था जैसे लग रहा था। तो पहले मैं यहाँ आया था राजाबा रिवाइवल चर्च में एटेन के लिए, कुछ प्रोग्राम के लिए आया था। पहला मीटिंग उधर होगा, वहाँ पर सक्सेस हुआ तो सब लोग पीछे आराम से आ सकते हैं, नहीं सक्सेस हुआ तो सब्सिक्वेंट मीटिंग टाउन में ही होगा। उसके बाद आप इंसिस्ट मत कीजिए कि आपको दोबारा बस्ती जाना है, वहाँ बैठना है। आप एक दिन अच्छे से कर लीजिए, लेकिन जैसा आपने पेपर टाइम किया है तो उसमें मिसबिहेव नहीं करना है, सब लोगों का सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। हमारी तरफ से जो ऑलरेडी दो PI मैडम और एक PI साहब है, वो जाके एंगेज करेंगे आप लोगों को, उनका भी रेस्पेक्ट होना चाहिए। DC रिप्रेजेंटेटिव बड़े दिन बाद उनको कोई अच्छा काम मिला है, उसको भी अच्छे से काम करके लाना है और को करना है। यूपीआई में कभी लोग का जरूरत नहीं पड़ा, पहली बार पढ़ रहे हैं।
इसीलिए सरकार इनका पोस्ट भी खत्म करता जा रहा है ना, अभी नया रिक्रूटमेंट बंद है, ये लोग कुछ काम करके देखा तो हम भी बोल सकते हैं ना कि यही कुछ काम करते हैं, इनको भी इंकरेज करना है आपको कि लोग को भी अच्छे से काम करना है। एडिशनली आई रिक्वेस्ट भाई गली रघु ताबा साहब कि ये भी 19 को वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, इनका भी आपको टेक केयर करना है, पर्टिकुलरली साहब लोग को है ना हमारे ऑर्डर के लिए वहाँ पुलिस की तरफ से जो फीडबैक है उसको गाइडेंस देने की कोशिश करना है। एडिशनली कोई भी वहाँ पर राइफल लेके नहीं जाएगा, ठीक है, आपका लोकल नियमित कायदा कानून जो भी है वो उसको बड़ा ध्यान रख के आना होगा, ठीक है, लोगों का सेफ्टी सिक्योरिटी जरूरी है, तो आप अपना दावा क्या लेकर आएंगे बाहर से, ना ही आप अपना मीटिंग के लिए लेकर आएंगे, ना ही आने वाली बस्ती में, ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, आपके लोगों की सेफ्टी है दोनों साइड में, क्या लेकर नहीं आना है, ठीक है, तो आप और सेकेंडली जो मीटिंग होगा जैसे मैंने कल भी आपको बोला था कि आपकी जो पीस कमेटी है उसमें सारा लोग आप ही का है, वो थोड़ा दहेज नहीं लगता है, उन्होंने भी पॉइंट आउट किया है, तो थोड़ा लोग आप इनका भी लीजिए, थोड़ा लोग अपना भी लीजिए, तो 5 लोग आप अपना बता दीजिए, 5 लोग आप इनका बता दीजिए, 10 लोग को बैठाइए डायरेक्ट जहाँ भी आपको मीटिंग करना है, बात सुनना है सुनना वो तो एक दिन में डिसाइड नहीं होता है, लेट द मेजोरिटी डिसीजन लेते हैं, 5 लोग आप अपना नाम रिकमेंड कर दीजिए, अभी बाबा सब जानते ही है लोकल ऑफिसर है, नीचे इसी के लिए कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अभी निकल रहे हैं, यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा मीटिंग चला दिन भर, सो मेरा गाड़ी तो वहाँ पीछे में रख दिया है, अभी यहाँ से जाना पड़ेगा सर। तो ये है मिनी सेक्रेटरिएट है ये, तो बात कर करके रात हो गया है, अभी हम लोग निकलेंगे यार। फाइनली वी आर लिविंग फ्रॉम सेपा, अभी हम लोग अपना घर जाएंगे। चलो चलो चलो, क्या चलो निकलते हैं ईटानगर, वे टू ईटानगर, चलो चलो टाटा बाय बाय शेपा, आई लव यू शेपा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, अच्छा से रहना, खाना पीना अच्छा से रहना, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, सी यू अगेन।